आशा करता हूँ सभी मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा सेशन। चैप्टर बहुत शानदार सा, जनजातियाँ। देखते हैं विगत एग्जाम के अंदर किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए, ताकि आप आगामी एग्जाम के लिए अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ सकें। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्या पूछा जा रहा है देखिएगा। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष या पौधे का अधिक उपयोग किया जाता है। यानी कि भील जनजाति के अंदर ऐसा कौन सा पेय पदार्थ हेतु पौधा है जिसका अधिक उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है अंगूर, आम, खेजड़ी या महुआ। तो आप कहेंगे भील जनजातियों का जो पेय पदार्थ जिस पौधे से, जिस वृक्ष से मिलता है वह है महुआ। कौन सा है याद रखिएगा, महुआ। महुआ से बनती है महुड़ी। महुड़ी का मतलब है देशी शराब, इसीलिए महुआ को कहा जाता है, याद रखिएगा, आदिवासियों का कल्प वृक्ष। इसे क्या बोलते हैं, आदिवासियों का कल्प वृक्ष। वैसे राजस्थान का कल्प वृक्ष बोलते हैं खेजड़ी को, याद रखिएगा। ये जो महुआ है इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है आपके मधुका लोंगाफोलिया, मधुका लोंगाफोलिया। तीनों फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। महुआ भील जनजाति का पेय पदार्थ, महुड़ी देशी शराब, आदिवासियों का कल्प वृक्ष है, और मधुका लोंगाफोलिया इसका क्या है वैज्ञानिक नाम। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। इससे रिलेटेड तीन प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे और भी देखते हैं क्वेश्चन विशेष प्रकार से, ठीक। तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके सामने दो, डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है। डे से डामोर और याद रखिएगा डे से डूंगरपुर। लेकिन हो सकता है आपको क्वेश्चन ऐसा पूछे कि डूंगरपुर जिले की कौन सी पंचायत समिति में सर्वाधिक डामोर जनजाति है, तो आपको याद रखना है सिमलवाड़ा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा पंचायत समिति है सिमलवाड़ा, जिला है डूंगरपुर, जाति है डामोर। ऑप्शन आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का ही क्षेत्र क्या कहलाता है, याद रखिएगा, वागड़। डे डामोर याद हो गया होगा, डामोर सिमलवाड़ा पंचायत समिति डूंगरपुर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है दूसरा, कु संबंधित है, कु या इसे ही बोलते हैं टापरा, कु या टापरा किससे संबंधित है। सबसे पहले तो आप कहेंगे सर जनजाति पूछ रहा है, तो भील जनजाति। भील जनजाति के जो घर हैं उनको क्या बोलते हैं, आप कहेंगे भील जनजाति के घर कहलाते हैं कु या फिर टापरा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट फोर, क्या कह रहा है, पाल किसे कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताइएगा पाल किसे कहा जाता है। पाल भीलों की बस्ती है, जनजातियों द्वारा की जाने वाली खेती है, मीणाओं की बस्ती है या शहरिया की बस्ती है। आप कहेंगे जो पाल है यह है आपके भीलों की बस्ती, जिसका भीलों की बस्ती का प्रमुख होता है पालवी, ठीक है। हाँ वो अलग है, गेमेती पटेल वो और अलग है, याद रखिएगा, ठीक है। भीलों की बस्ती क्या कहलाती है, याद रखिएगा, पाल, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार हम सारे क्वेश्चन देख लेते हैं और आखिरी के अंदर मैं आपको एक ही साथ में एक ही पेज में पूरी डिटेल लिखा दूंगा, किसकी, जनजातियों की, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने फाइव, राजस्थान की भील जनजाति में गांव का मुखिया क्या कहलाता है। भील जनजाति के अंदर जो गांव का मुखिया है उसे आप क्या बोलते हैं, बताइएगा। आप कहेंगे सर जो पालवी है ये तो पाल का मुखिया है, पाल का क्या है, मुखिया। पाल किसे बोलते हैं, तो आप कहेंगे भीलों की बस्ती। लेकिन यहां पर भीलों की बस्ती नहीं पूछा है, भील जनजाति के अंदर जो गांव है ना उसका मुखिया पूछा है। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, गमेती। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, गमेती, ठीक है। हाँ बिल्कुल करवा देंगे, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए ये लीजिए, इस बार ऐसे पूछ लिया है कि गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों के नेता होते हैं। तो आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, भील, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने सेवन, क्या पूछा जा रहा है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी तहसील शहरिया जनजाति का घनत्व अधिकतम है। कौन सी तहसील के अंदर शहरिया जनजाति का घनत्व सबसे अधिक है, यह क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। पहली बात तो आप ये कहेंगे कि सर शहरिया जो जनजाति है
ये सहरिया जनजाति मैक्सिमम यानी कि सर्वाधिक किस जिले में है? तो आप कहेंगे जिला है बारां। बारां की दो ही तहसीलें हैं, आप पढ़ते हैं, एक तो किशनगंज, किशनगंज किशनगढ़ अजमेर में है, ये किशनगंज है, एक है शाहबाद। अब यहां पर पूछ रहा है कौन सी तहसील में सहरिया जनजाति का घनत्व अधिक है, आप देख पा रहे हैं इन दोनों में से एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, किशनगंज। ओके, किशनगंज बारां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सहरिया जनजाति याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 8। क्या पूछ रहा है देखिए, पूछा जा रहा है आपको राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति का समूह सूची में शामिल किया गया। यह बहुत अच्छा सा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यह पूछा जाता है, आदिम जनजाति में शामिल यानी कि आदिम समूह में शामिल राजस्थान की कौन सी जनजाति है? आप कहेंगे शहरिया, शहरिया जनजाति याद रखिएगा, कौन सी है? शहरिया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए ठीक है, बहुत शानदार, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 9, ये लीजिए क्वेश्चन पूरा नहीं दिखा रहा ना, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 9। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत उसकी कुल जनसंख्या में अधिकतम और न्यूनतम है? यानी कि यह पूछ रहा है कि जो एसटी है यह आपके अधिकतम और न्यूनतम, मैक्सिमम और मिनिमम, लेकिन यह किस आधार पर पूछ रहा है हमें? तो प्रतिशत के आधार पर। आप कहेंगे सर अनुसूचित जनजाति प्रतिशत के आधार पर जहां सर्वाधिक है वो कौन सा है? तो आप कहेंगे वह है बांसवाड़ा, वो कहां पर है? बांसवाड़ा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही तो है फैक्ट। हाँ, और न्यूनतम पूछ रहा है तो आप कहेंगे अधिकतम बांसवाड़ा, न्यूनतम बीकानेर और नागौर, ये लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, लेकिन नीचे कूट दे रखे हैं, 2 है आपके किसमें? ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में, ये दो चीजें आपको जरूर ध्यान रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए इस प्रकार से कूट से ऑप्शन थे, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर देखिए 10, ये लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तरफ जनजातियां हैं और एक तरफ उनके क्षेत्र हैं, राजस्थान की जनजातियां और एक तरफ क्षेत्र। देखिए सहरिया कहां पर है? तो आप कहेंगे सर सहरिया है बारां में, पहले तो इनके जिले लिख लीजिए ताकि आपको आसानी रहेगी। गरासिया कहां पर है? तो गरासी, सिरोही। डामोर कहां पर है? तो आप कहेंगे डूंगरपुर। और मीणा कहां पर है? तो आप कहेंगे बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जयपुर, ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है ये, तो कौन सा दे रखा है देख लीजिए। शहरिया बारां में है, कोई दिक्कत नहीं है, ले लीजिए। ग्रासा सिरोही में है, ये रहा सिरोही के साथ उदयपुर। डामोर डूंगरपुर में है, डूंगरपुर बांसवाड़ा। मीणा आपके जयपुर और दोसा, इनके क्षेत्रों में तो है। यहां पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा है आपके देख लीजिएगा, पहले के अंदर 3 नंबर, फिर दूसरे के अंदर 2 नंबर, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नहीं 2 तो कैसे होगा, 2 तो संभव ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनजातियों के क्षेत्र विशेष से। चलिए और भी देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 11। राजस्थान के किस जिले में शहरिया जनजाति, शहरिया कौन सी जनजाति है? शहरिया जनजाति, शहरिया, बिल्कुल शाबाश। देखिए शहरिया जनजाति, सबसे पहले तो याद रख लीजिएगा कि इनका मुखिया, तो शहरिया जनजाति का जो मुखिया होता है वो कहलाता है कोतवाल। क्या कहलाता है? कोतवाल। एक याद रखिएगा कि ये आदिम जनजाति के समूह में शामिल है, आदिम जनजाति समूह में शामिल है। एक जो शहरिया जनजाति है यह आपके जिस क्षेत्र में है
वो जिला है बारा। सहरिया जनजाति का जो कुंभ है वो है आपके सित्ताबाड़ी। सित्ताबाड़ी मेला कहां पर भरता है तो याद रखिएगा केलवाड़ा। ये और स्थान भी याद रखिएगा वो आप सब जानते हैं कहां पर है, बारा में। क्लियर? तो इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं। सहरिया जनजाति का मुखिया है कोतवाल। ये कौन सी आदिम, याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आदिम जनजाति के समूह में सहरिया सर्वाधिक, बारा में। बारा की तहसील भी पूछ ले तो याद रखिएगा एक तो है किशनगंज और एक है आपके शाहबाद। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इनका कुंभ पूछ ले तो याद रखिएगा सित्ताबाड़ी केलवाड़ा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए अगला क्वेश्चन। यहां पर क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, बारा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नंबर 12। क्या कह रहा है देखिए, ये थोड़ा यूनिक सा क्वेश्चन है, फिर आपको कोड के अनुसार मिलान करना है। ये लीजिए, अब तो दिख जाएगा, सूची ए है और सूची दो से मिलान करना है। सूची ए का सूची दो के साथ में मिलान करना है इस प्रकार से कि एक तरफ तो राजस्थान की कुल जनसंख्या में जनजातियां हैं और एक तरफ प्रमुख कौन से क्षेत्र में है, जैसे कि 20% से कम जनजाति कौन से जिलों में है, या 20-25% कौन से जिलों में है, 26-50% कौन से जिले में है, या 51-80% जो जनजाति है वो कौन से जिलों में निवास करती है। तो आप जो ऑप्शन देखेंगे, वैसे ये क्वेश्चन तो डिलीट हुआ था एग्जाम के अंदर, ठीक है, ये पहले मैं आपको बता दूं, बुक के अंदर स्टार लगा हुआ है ना, ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था। ठीक है, हाँ, तो आपको बुक के अंदर दिख ही रहा होगा, इसके अंदर क्या है आपको स्टार लगा हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए, लेकिन फिर भी मिलान तो करना ही है हमें। तो देखिए 20% से कम जो जनजाति है वो है आपके कहां पर, झालावाड़, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ के अंदर। 20-25, 26-50 और 51-80। देखिएगा यहां पर ये प्रतापगढ़ है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, यहां पर क्या है आपके प्रतापगढ़। ठीक है, 20-25% जो है वो है आपके बूंदी, बारां और करौली के अंदर। 26-50 है आपके दोसा, और सर्वाधिक जहां पर है वो आप सब जानते हैं कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। ये पूरा पूरा जो क्षेत्र है वो जनजातियों के लिए ही जाना जाता है, क्योंकि बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ ये तीनों तीनों वो जिले हैं जो आपके उदयपुर संभाग में आते हैं, और उदयपुर संभाग को कहा जाता है सर्वाधिक जनजातियों वाला संभाग। ठीक है, नहीं ये तो गलत है, ये आपको याद रखना ऐसे। ठीक है, वैसे अभी तक तो 7 ही संभाग हैं, अब 3 संभाग जब नए बनेंगे तो ये सब कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाड़मेर आपके संभाग बन जाएगा, चित्तौड़गढ़ बन जाएगा, और उधर से शिखर बन जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए, ठीक है ना, इसमें तो गलत है, ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था एग्जामिनर ने, आप जानते ही हैं प्रत्येक एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन तो डिलीट करते ही करता है वो। अगला देखिए, अब निम्नलिखित में से कौन सा एक तरफ जनजाति और एक तरफ स्थान पूछ रहा है सुमेलित नहीं है। डामोर जनजाति डूंगरपुर, कथोड़ी जनजाति शिमलवाड़ा, ग्रासिया है आपके शिरोई और उदयपुर, और रेबारी है बारा। देखिएगा डामोर जो जनजाति है वो तो डूंगरपुर है, ये तो सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ग्रासिया शिरोई के अंदर है, रेबारी बारा में है, लेकिन ये जो कथोड़ी है ना ये शिमलवाड़ा में नहीं है, कथोड़ी है आपके उदयपुर में, ये याद रखिएगा। यानी कि यहां पर जो असंगत है वो है आपके ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, कथोड़ी उदयपुर में है, सिमलवाड़ा डूंगरपुर का भाग है, वहां पर डामोर है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 14। ग्रासिया जनजाति में गांव के मुखिया को क्या बोलते हैं, ये और इंपॉर्टेंट आ गया, बताइए। ग्रासिया जनजाति के अंदर गांव के मुखिया को क्या बोलते हैं, बताइएगा। ग्रासिया जनजाति, देखिए ग्रासिया सर्वाधिक, नाम में छुपा है शिरोही, याद रखिएगा। इसका जो मुखिया होता है वो कहलाता है, याद रखिएगा, सहलोत। इसका मुखिया क्या कहलाता है, सहलोत। देखिए भिल्लों का हम पढ़ के आए हैं, क्या है, गमेती। मीणाओं का क्या है, आप कहेंगे पटेल। अच्छा, एक हम शहरियाओं के पढ़ के आए हैं, कोतवाल, और एक हमारे सामने है ग्रासिया, और ग्रासियाओं का क्या है, सहलोत। ठीक है, डामोर का हो जाएगा मुखी। ठीक है, अब यहां पर ऑप्शन देख लीजिए, चलो तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो फिर ये क्वेश्चन भाई डिलीट हुआ है। ठीक है, स्टार लगा होगा, डिलीट है। बाकी ग्रासिया का जो मुखिया है वो सहलोत है, ठीक है ना, ग्रासिया का सहलोत। ठीक है, ऑप्शन में ही नहीं है, इसीलिए तो डिलीट हुआ है ये क्वेश्चन, स्टार बना हुआ है। ठीक है, चलिए छोड़िए, फिर अगला क्वेश्चन ये लीजिए, पूछा जा रहा है जनगणना 2000
21 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले में अधिकतम जनसंख्या जनजाति है? कौन से जिले में सर्वाधिक जनसंख्या? तो आप जानते हैं, अभी हमने पढ़ा भी था कि राजस्थान में सर्वाधिक जनजातियों वाला संभाग कौन सा है, तो उदयपुर संभाग। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके अंदर ये भी लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, सर्वाधिक जनजातियों वाला संभाग याद रखिएगा, सर्वाधिक जनजातियों वाला संभाग, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर कौन सा, उदयपुर, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 16। देखिए क्या कह रहा है, राजस्थान के कौन से जिलों में सर्वाधिक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जनसंख्या पाई जाती है? सर्वाधिक कौन से, देखिए एसटी और एससी ये पूछ रहा है आपको। ठीक है, तो एसटी जो सर्वाधिक है वो तो है आपके कहां पर, यानी अनुसूचित जनजाति की बात हो रही है, तो आप कहेंगे सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है उदयपुर में। ठीक है, अच्छा सर्वाधिक एससी कहां पर है, तो आप कहेंगे जयपुर में। ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है यहां से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर्वाधिक एसटी उदयपुर में और सर्वाधिक एससी जयपुर में, पहले क्या है अनुसूचित जाति एससी, ये लीजिए जयपुर, और फिर याद रखिएगा उदयपुर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 17। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में अनुसूचित जाति का प्रतिशत सर्वाधिक है, यानी कि ऐसी सर्वाधिक कहां है, करौली, हनुमानगढ़, बीकानेर या फिर गंगानगर, सर्वाधिक ऐसी प्रतिशत में कहां पर है बताइए। अब देखिए आप यहां से चार चीजें समझिए आराम से, देखिए एसटी और एससी आपको पूछे सर्वाधिक, दो चीजें, सर्वाधिक में क्षेत्रफल के आधार पर पूछ लेगा तो याद रखिएगा वो हो जाएगा आपके उदयपुर, लेकिन जब प्रतिशत के आधार पर पूछेगा तो वो हो जाएगा याद रखिएगा बांसवाड़ा। ये बात तो किसकी है, एसटी की, अनुसूचित जनजाति की। एससी की बात करते हैं तो सेम दो प्रकार के क्वेश्चन है ये, आपको पूछा जाए सर्वाधिक एससी कहां पर है क्षेत्र के आधार पर, तो क्षेत्र के आधार पर तो है आपके जयपुर, लेकिन जब आपको प्रतिशत के आधार पर पूछा जाए, प्रतिशत के आधार पर, तो हो जाएगा गंगानगर। यहां पर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, समझे, एसटी क्षेत्र के आधार पर उदयपुर में है, प्रतिशत के आधार पर बांसवाड़ा, एससी क्षेत्र के आधार पर जयपुर है, प्रतिशत के आधार पर गंगानगर, यानी कि जब आप मैप के अंदर यह चीज ड्रॉ करोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि दक्षिणी क्षेत्र में तो है एसटी लेकिन प्रतिशत के आधार पर, उत्तर के अंदर है एससी लेकिन प्रतिशत के आधार पर, यह है गंगानगर, यह है बांसवाड़ा, लेकिन जब क्षेत्र के आधार पर चर्चा करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये हो जाएगा उदयपुर और एससी सर्वाधिक क्षेत्र के आधार पर हो जाएगा जयपुर, बस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 18। क्या पूछ रहा है, देखिए पूछा जा रहा है 2001 से लेकर 11 के मध्य राजस्थान के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में सर्वाधिक दशक के परिवर्तन अंकित किया गया, मतलब न्यूनतम एसटी कहां पर है, तो याद रखिएगा नागौर। 2001 और 11 के मध्य के अनुसार न्यूनतम जो आपके एसटी है वो है आपके कहां पर, याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नागौर। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, तो ए इज करेक्ट आंसर नागौर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 19। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति जनसंख्या के आधार पर दूसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर पर कौन सी जनजाति है दूसरे नंबर पर, देखिए आप याद करिए, फर्स्ट नंबर पर है मीणा, दूसरे नंबर पर है भील, तीसरे नंबर पर है गराशिया, नंबर फोर पर है शहरिया। यहां तक पूछा भी गया है, एग्जामिनर ने पूछ रखा है सबसे बड़ी मीणा,
फिर दो नंबर पर कौन सी है, भील। तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, गराशिया। और नंबर फोर कौन सी है, याद रखिएगा, शहरिया। लेकिन इन दोनों में याद रखिएगा, आपको पूछे कि राजस्थान में सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है, तो याद रखिएगा भील। सबसे प्राचीन पूछेगा तो भील है, सबसे बड़ी पूछेगा तो मीणा है। भाई राजस्थान में सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है, भील। लेकिन राजस्थान में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, मीणा, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो ये तीनों का, चारों का क्रम भी याद रखिएगा, मीणा, भील, गराशिया और सहरिया। ठीक है, चलिए, हाँ ये चारों याद कर लिए ना। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत है। देखिए एसटी जो है ये जनसंख्या के आधार पर देखिए सर्वाधिक है उदयपुर, उसके बाद में है आपके डूंगरपुर। तो स्थान पूछ रहा है कौन सा, दूसरा, तो दूसरे नंबर पर हो जाएगा आपके डूंगरपुर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, डूंगरपुर के अंदर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 21। क्या पूछा जा रहा है, मारवाड़ क्षत्रिय जनजाति विकास बोर्ड का मुख्यालय स्थापित किया गया है। अब ये तो नाम से पता चल रहा है कि मारवाड़ क्षत्रिय जनजाति विकास बोर्ड मुख्यालय, जैसे आपके जनजातियों में एक शाखा, एक संस्था आप पढ़ते होंगे माडा, कमेंट करके बता सकते हैं माडा का गठन कब हुआ था, माडा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताइएगा। जैसे आपके सामने मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति, तो नाम से पता चल रहा है मारवाड़ यानी कि मुख्यालय है आपके जोधपुर में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। हाँ चलिए ठीक है, तो याद रखिएगा जोधपुर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। यह आपके फर्स्ट ग्रेड 20 के अंदर भी पूछा गया और आप कहेंगे सर ये डिटो क्वेश्चन अभी वनपाल या वनरक्षक के एग्जाम के अंदर आया था, डिटो क्वेश्चन आया था, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखिए एक तो है एसटी, एक तो है आपके एसटी और एक है एससी, दोनों ही याद कर लीजिएगा, एसटी और एससी दोनों ही याद कर लीजिएगा। एसटी तो है आपके 13.5% और एससी है आपके 17.8%, ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसटी और एससी दोनों ही याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये क्वेश्चन अभी पूछा गया, तो विगत आए पुराने पेपर सोल्व कर लीजिए, नए क्वेश्चन यही बनने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर 13.5। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद हुए कि नहीं हुए, हो गया ना। चलिए अच्छा, सीटी में आया था, चलो जहां भी आया हो, लेकिन देखिए एक बार मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं वापस, ताकि आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें आपके क्लियर हो जाए। देखिए देखिए ये एसटी, ये एससी, एसटी कितनी है तो कुल जनसंख्या की 13.5, एससी कितनी है 17.8, दोनों को कमेंट करके भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, हाँ एसटी सर्वाधिक कहां पर है, याद रखिएगा उदयपुर। एससी सर्वाधिक कहां पर है, जयपुर, ये क्षेत्रफल के आधार पर। अच्छा प्रतिशत के आधार पर एसटी सर्वाधिक कहां पर है, तो आप कहेंगे बांसवाड़ा, और ये कहां पर है तो गंगानगर। ठीक है, ये तीन तीन चीजें अभी तक हमने पढ़ ली है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, ये लीजिए 23। भील जनजाति विवाह के अवसर पर मंडप की सजावट किस वृक्ष की पत्तियों से करती है। कौन सी जनजाति पूछ रहा है, भील जनजाति, कौन सी, भील। अच्छा इसमें दो प्रकार के फैक्ट आपको याद रखने, कौन सा, एक तो याद रखिएगा कि भील जनजाति में विवाह के अवसर पर कौन सी देवी के चित्र बनाए जाते हैं, तो याद रखिएगा भराड़ी देवी। भीलों के विवाह की जो देवी है वो कौन सी है, याद रखिएगा भराड़ी देवी। और एक विवाह के अवसर पर जो मंडप की सजावट की जाती है वो जिस वृक्ष से है, वो है आपके आम, क्योंकि मेवाड़ में सर्वाधिक क्या होते हैं, आपके आम ही होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 24।
भील जनजाति द्वारा पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि क्या कहलाती है? स्थानांतरित कृषि क्या कहलाती है? जैसे देखिए, ये आपके इस प्रकार से पहाड़ है, ठीक है, तो ये तो हो गया पहाड़ी भाग, ये हो गया मैदानी भाग। आप कहेंगे सर फिर ये वापस पहाड़ी भाग, बिल्कुल सही है, और ये हो गया मैदानी भाग। अब जो भील जनजाति है, कौन सी भील जनजाति? अच्छा, स्थानांतरित कृषि का मतलब क्या हुआ? आप कहेंगे सर स्थानांतरित कृषि का मतलब होता है कि वनों को काट काट कर या जला जला कर और स्थान बदल बदल कर जो कृषि की जाती है उसे कहा जाता है स्थानांतरित कृषि। तो पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर जो कृषि होती है उसे आप क्या बोलते हैं? आप कहेंगे पहाड़ी क्षेत्र यहां पर जो कृषि हो रही है वह है चिमाता, मैदानी क्षेत्र पर जो कृषि हो रही है वह है दजिया। ये दजिया है, ये चिमाता है, और ये वापस क्या है? दजिया। मेरे हिसाब से मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं वो आप समझ गए होंगे। आप कहेंगे हाँ सर, भील जनजाति के अंदर पहाड़ी क्षेत्रों में जो कृषि होती है, भील जनजाति के अंदर पहाड़ी क्षेत्रों में जो कृषि होती है उसे चिमाता बोलते हैं, जबकि मैदान में जो कृषि होती है उसे दजिया कहा जाता है। ये दोनों फैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रह जाएंगे ना। भील जनजाति पहाड़ी, चिमाता मैदान, दजिया, मैं दे से ऐसे याद रख लीजिएगा, मैदान दजिया, ठीक है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 25। ये एक और बड़ा शानदार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, बताइएगा कि बीजा वे माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं। जैसे आपको पूछा जाता है कि मीणाओं की दो प्रकार कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा चौकीदार मीणा और एक कहलाते हैं जमींदार मीणा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दो। उसी प्रकार ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बीजा और माला, बीजा वे माला किसकी दो उपशाखाएं हैं, तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, सांसी। कौन सी? सांसी, याद रखिएगा, ठीक है।